जो उसका कुछ बिहेवियर था मतलब मुझे पसंद नहीं पड़ा, इसलिए हम इनकार कर दिए कि शादी नहीं करेंगे। अनेकों प्रकार के धमकी दिलवा रही है, फंसा देंगे, मरवा देंगे, चाहे कर देंगे, धमकी भी मुझे कई तरह कह रहा है। जिस महिला विकास मंच पे आप आरोप लगा रहे हैं वो हमेशा महिलाओं के लिए स्टैंड लेती है, महिलाओं के लिए खड़ी रहती है, इस बात का कोई प्रूफ है? तो वही तो बोल रहे हैं, मतलब महिला है तो महिला के खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बात का प्रूफ है कि वो आपको धमकी दी है, आपको कॉल करके परेशान? हाँ, हम बोले कि मैम नहीं आ पाएंगे, तो कई तरह के मतलब गुस्सा करके बात हमसे करने लगे कि ये कर दिए, कर देंगे, वो कर देंगे, तुम काहे नहीं आ रहा है, काहे नहीं तुम मिल रहा है। किरण सिंह का अब आरोप ये है कि रोशन रोही 2 साल तक उनके साथ रहे, उसके बाद उनका इस्तेमाल किया और अब जब वो स्टार बन गए हैं तो उनको छोड़ दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोशन रोही है। रोशन रोही, किरण आप पे बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं कि आप उनके साथ 2 साल रहते हैं, 2 साल रहने के बाद उन्हें शादी का वादा भी करते हैं और वादा करने के बाद आज आप अपने वादों से मुकर रहे हैं। ना ना, ये सब देखिए खुशबू जी, बिल्कुल गलत बात है, जो भी बोल रही है, आरोप लगा रही है, सब गलत बात है। तो 2 साल से आपका उनसे दोस्ती संबंध रिश्ता था या नहीं था? नहीं, बस वो एक मॉडल थी, हम एक सिंगर है, बस हम लोग साथ में काम करते थे। साथ में सिर्फ आप लोग काम करते थे, कोई रिश्ता आपका उनसे नहीं था? ना। तो आखिर किरण सिंह ऐसा क्यों करेगी, बताइए कि कोई भी लड़की आप पे, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी इज्जत उछल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका इज्जत उछल रहा है, वो भी एक महिला है, उनका भी इज्जत जा रहा है, तो कोई लड़की अपना इज्जत क्यों उछालेगी? इज्जत देखिए उछालेगी, अब जो लड़की शादी से पहले इतना कुछ कर दिया है और अनेकों प्रकार के धमकी दिलवा रही है और गलत गलत जगह जा रही है, मतलब कि इसको फंसा देंगे, मरवा देंगे, चाहे कर देंगे, धमकी भी मुझे कई तरह कह रहा है। कौन धमकी दे रहा है? वही दिलवा रही है कुछ अपने लोग से जो साथ में उसके रह रहे हैं, उनके साथ में जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे कोई मतलब उसे ब्याह कर लेगा सीधे? अच्छा। यही तो जबरदस्ती है। तो आप आखिर क्या ऐसा दिक्कत आया? कहा जा रहा है कि 2 साल से अच्छा संबंध था, आप लोग साथ में काम भी करे, चलिए मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप साथ में अगर काम ही कर रहे थे, अच्छा संबंध था, तो आखिर संबंध बिगड़ा क्यों? संबंध इसलिए बिगड़ा कि मतलब जो उसका कुछ बिहेवियर था मतलब मुझे पसंद नहीं पड़ा, इसलिए हम इनकार कर दिए कि शादी नहीं करेंगे। एक और आरोप है कि किरण सिंह पहले तो मॉडलिंग करती थी, लेकिन जब से आपसे उनकी दोस्ती हुई, चाहे प्यार हुआ, तब से वो अपना काम करना भी छोड़ दी, मॉडलिंग भी करना छोड़ दी, इनफेक्ट पहनावे उरावे सब आपके कारण उन्होंने बदल दिया, अपने परिवार से भी वो दगा बन गई, अपने परिवार को भी छोड़ दिया उन्होंने। नहीं नहीं, सब बिल्कुल गलत बात है, और काम भी करती थी और अपने परिवार से भी बात करती थी, जो बोल रही है बिल्कुल गलत बोल रही है। तो अभी उनका परिवार उनके साथ नहीं है, उनका कहना है कि आपकी वजह से वो उनका परिवार उनको नहीं नहीं सब साथ है, बस उसको है कि इसको फंसाना है, इसको मरवाना है, परिवार भी साथ है, परिवार से बात भी होती है, घर पे भी जाती है। किरण सिंह आप पर उल्टा आरोप लगा रही है कि आपके कई लड़कियों से बातचीत था, बातचीत करते थे, वो फोन अगर आपका चेक करने लगती थी तो आपको इस बात की नाराजगी होती थी। नाराजगी इसलिए होती थी कि फोन क्यों चेक करेगी, कोई आदमी उतना दूर से देर तक काम करके आता है सुबह से और रात में सोने टाइम फोन चेक करेगी, और ठीक है आज की कल की परसों की लगातार 3-4 दिन की कुछ फोन में नहीं मिल रहा, फिर भी जबरदस्ती कर रही है, और मतलब कुछ ना कुछ करके ई काहे मैसेज कर दी, यू काहे मैसेज कर दी, फैन फॉलोवर क्यों पूछ रही है, खाना खाएं कैसे रोशन जी, अरे उतना हक बनता है उन लोग का पूछना। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप उनके बिहेवियर से ना। हाँ हाँ, उस काम तो एक काम सवाल सा बहुत रुकावट आ रहा था, बहुत ज्यादा कि ऐसा नहीं पकड़ना है, वैसे नहीं पकड़ना है, जिससे 2 पैसा कमा रहे, जिससे 2 पैसा मेरा नाम हुआ है, उसमें हम रुकावट नहीं कर सकते। तो रोशन, इन बातों को एक कमरे में बैठकर आपस में बैठकर भी सुलझाया जा सकता था, क्या जरूरत थी कि इतना ज्यादा तमाशा आप लोग सोशल मीडिया पे? मैंने कई बार किया ऐसा चीज, ये सब बैठा के समझाया, लेकिन बहुत जब पानी सर से ऊपर हो गया तब हम जाके कदम उठाए। उनका कहना है कि अब वो काम छोड़ दी हैं, उनका कहीं ना कहीं आप उनके साथ रह रहे थे तो उनका खर्चा वगैरह भी आप शायद दे रहे थे, अब वो क्या करेगी, अब वो कहीं की नहीं रही, आपके भरोसे वो अपना कैरियर को दाव पे लगा दे? कुछ नहीं, बस वो मेरे साथ रह रही थी, मतलब कहाँ रही थी, वो तो बस फ्रेंड थी, साथ में लोग काम करते थे, हाँ उसका खर्चा उठाते थे हम। तो खर्चा उठाते थे, तो अब उनका कहना है कि आपके वजह से वो काम करना छोड़ दी है? काम करती थी, काम कहाँ छोड़ दी है, वो काम कर रही है, काम कर रही है, अभी ये बैठ रहे भी सिंगर को सब फोन कर रही है, मुझे काम चाहिए काम चाहिए। तो अभी तो खैर आपसे जब से हुआ होगा तो हो सकता है वो एक रास्ता ढूंढ रही होंगी कि हाँ अब हम कहाँ जाएंगे। ऐसे भी काम करते थे, ज्यादातर आपके साथ ही उनके गाने आते थे, ज्यादातर मेरे साथ आता था, कहाँ बोल रहे। तो फिर दिक्कत क्या हो गई अचानक? ये तो आपको बताया कि उसका कुछ बिहेवियर था, मुझे पसंद नहीं पड़ा। अच्छा, तो क्या अब आप फिर से आप और किरण सिंह एक हो पाएंगे, या फिर आपकी जो संबंध बिगड़ी है वो फिर से सुधर पाएगी? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इतना कुछ कर दिया है, कई तरह के धमकी, कई तरह के मतलब जो बात करने का होता थी कि मतलब तुम शादी करेगी, अब बात तुम कैसे कर रही है, घर पे तुम हंगामा करवा रही है, ये बोलते है तुम्हारा भाई को उठवा लेंगे, तो कहाँ से उसको पत्नी बनाएंगे हम। कुछ इंटरव्यू में किरण सिंह ने यह भी कहा है कि हम माफी मांगने के लिए भी तैयार है, अगर रोशन वापस आ जाते हैं तो हम सारी चीजों को बंद कर देंगे, ऐसा भी उसने कहा। कई बार माफी मांगी है, तो कहीं ना कहीं वो गलती एक्सेप्ट कर रही है आपके साथ, वो रिश्ते अच्छे करना। कई बार माफी मांगी है,
बार हम कई बार गए, कई बार माफ़ी मांगी, प्लीज अब से ऐसा नहीं होगा। और कई बार लोग समझाए भी हैं, जो होता है ना गांव में जो होता है पंचायती, वो भी हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, हर बार वो वही गलती। हाँ हाँ वही गलती। अभी आप हाईकोर्ट भी, पता चला है सुनने में आया है कि आप हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं वकील के पास, वकील के पास क्या कुछ आपका कहना है, क्या लेकर? वकील के पास देखिए, यही हम अपना देख रहे हैं कि अपना कानून से कार्रवाई करेंगे। हाँ आप लोग मीडिया पे क्या हम बोले ऐसे, मतलब हम कानून से काम ले रहे हैं, मतलब मदद ले रहे हैं कि हम गलत है तो बस कानून मुझे सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप गलती गलत होंगे रोशन, तो सजा आपको भी मिल सकती है, आपको मिल सकती है, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगा, उसमें कोई रोक सकता है। अगर आपकी गलती होगी तो मेरी गलती होगी, मुझे सजा मिलेगी, उसकी गलती होगी उसको मिलेगी। आप तैयार हैं सजा के लिए? हाँ हाँ, तो वही इसलिए दाया अपना कानून से हम, और कई तरह की मुझे धमकी भी आ रही है, कोई कानून नहीं देगा। कौन धमकी दे रहा है? पता ना कहाँ गई थी, कोई महिला विकास मंच कर कुछ है, वहाँ से कॉल करवाई थी, बीना मानवी कोई नाम के है, महिला विकास मंच के अध्यक्ष है, तो वही मेरे को कॉल किए थे। जिस महिला विकास मंच पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो हमेशा महिलाओं के लिए स्टैंड लेती है, महिलाओं के लिए खड़ी रहती है, इस बात का कोई प्रूफ है? तो वही तो बोल रहे हैं, मतलब महिला है तो महिला के खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात का प्रूफ है कि वो आपको धमकी दी है, आपको कॉल करके परेशान? हाँ हाँ, बोले कि मैम नहीं आ पाएंगे, तो कई तरह के मतलब गुस्सा करके बात उनसे करने लगे कि ये कर दिए, कर देंगे, वो कर देंगे, तुम काहे नहीं आ रहा है, काहे नहीं तुम मिल रहा है। बोले कि मैम हम शूटिंग पे तो कैसे आ सकते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उठा लिए पैसा कंपनी से तो काम करके देंगे ना हम। रोशन, आप कोर्ट में भी आए हैं, तो कोर्ट का भी कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया होता है, जब दो लोगों का मामला आता है, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे वो शादी का मामला हो, गजब गजब के बात करने लगे और बोले कि आज के टाइम ये थे कि घर पे जाएंगे, करेंगे वो करेंगे, और हम टाइम नहीं दे पाए, नहीं मिल पाए, तो धमकी हमको देने लगे हैं व्हाट्सएप पे, हमको लिख के भेजने लगे कि तुम बर्बाद कर देंगे, कर देंगे। ये प्रूफ है इस बात का आपके पास? देखना पड़ेगा। देखिए क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो बाबू, वरना कल सीन और कुछ खराब हो जाएगा, कॉल में वरना कल सीन और खराब हो जाएगा, कोई दोस्त तुम्हें बचाने नहीं आएगा, गला फंसा तो। ये बिना मानवी ने लिखा? हाँ देखिए ना, उन्हीं का नंबर है ना। अच्छा, और इंटरव्यू करके वो मुझे लिंक भेजे हैं कि देखो तुमको बोले हैं कि तुमको जेल जाना पड़ेगा, दिखा रहे हैं मुझे, देखिए इंटरव्यू करके उन्होंने आपका लिंक भी भेजा, लिंक भेजे हैं, बोल दिखा देख देखो, मतलब हम ऐसा बात बोले हैं। अच्छा हाँ, चलिए आखिरी सवाल करना चाहेंगे रोशन, कहीं ना कहीं आप कोर्ट के शरण में आए, कोर्ट का भी यही फॉर्मूला होता है कि किसी भी लव अफेयर का मामला हो या फिर किसी भी पति पत्नी का मामला हो, तो कोर्ट भी एक बार दोनों के बीच में सुलह करने का प्रयास करता है, काउंसलिंग करता है कि आपस में जो भी चीज़ें आपकी खराब हुई है वो सही हो जाए। हाँ, तो अगर कोर्ट के माध्यम से आप दोनों को एक साथ बिठाया जाता है, अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो क्या आप इन विवादों से परे हटेंगे और फिर से उन चीज़ों को सही कर पाएंगे? अब जो होगा वही होगा, देखिए खुशबू जी, कोर्ट कानून से होगा, जो होगा, अब जो सही है जो सही है, जो गलत है गलत है। अगर सही फैसले आते हैं तो आप कोर्ट के हिसाब से मानने? हाँ हाँ, जो कोर्ट बोलेगी कानून बोलेगी करेंगे हम। चलिए ठीक है, तो देखिए ये रोशन रोही है, हमने इनसे इनका पक्ष जाना, ये सारे विवादों और सारे मुद्दों को लेकर इनकी क्या रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे एक खबर चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, रोशन रोही और किरण सिंह, रोशन रोही ने किरण सिंह को 2 साल इस्तेमाल किया, फिर उनको छोड़कर फरार हो गए। लेकिन फरार की बात अगर हम करें तो बहरहाल रोशन रोही पटना में है और पटना के हाईकोर्ट पहुंचे हैं अधिवक्ता शिवनंदन भारती के पास अपनी समस्याओं को लेकर। देखना यह है कि एक तरफ महिला विकास मंच की वीणा मानवी जो किरण सिंह के तरफ से उन्हें स्टैंड कर रही है, और दूसरी तरफ रोशन रोही जो पटना के हाईकोर्ट पहुंचे हैं शिवनंदन भारती के पास। देखना यह है कि दोनों के मामले में कहां मोड़ आता है और क्या कुछ होता है। इन सारे सवालों का जवाब हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।